हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं जितेंद्र शुक्ला एक बार फिर से आया हूँ ऑनलाइन क्लासेस के लिए। 10th 11th 12th की मैं फिजिक्स केमिस्ट्री स्टार्ट कर चुका हूँ फॉर जेई एंड नीट आल्सो। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैं स्टार्ट किया हूँ, बेसिक्स अभी स्टार्ट किया हूँ। 12th फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैटिक मैंने स्टार्ट किया है, 12th केमिस्ट्री में सोल्यूशन चैप्टर स्टार्ट किया है, 10th में इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट किया है और 11th में स्टार्ट किया है मैंने फर्स्ट यूनिट वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एंड काइनेमेटिक्स। ठीक है, लेकिन हमेशा की तरह क्लास के मिडिल में और स्टार्टिंग में और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज बच्चों को देता हूँ। लास्ट 13-14 ईयर से मैं करते आया हूँ और अभी स्मार्ट क्लास में मैं आपको एक चीज एक वीडियो दिखा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छा वीडियो है, इंपॉर्टेंट है, इंस्पायरिंग है और आपके लाइफ से जुड़ा हुआ है। सभी टीनेजर्स को ये वीडियो देखना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पढ़ने में अच्छे होते हैं बट इस एज में होता है लोग डिस्टर्ब होते हैं, डेविएट होते हैं, डिस्ट्रैक्ट होते हैं, इस हार्मोनल इशू है। ठीक है, 15-20 ये होता ही है, बच्चे बहुत सारे टैलेंटेड होने के बावजूद भी अपने टारगेट से हट जाते हैं। ठीक है, तो सुनिए बस 2 मिनट। बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, बिगड़ते हैं, उनको ट्रैक पे लाना फर्ज पेरेंट्स का और टीचर्स का होता है। यदि टीचर सिर्फ छोड़ देता है कि हो गया हमको तो पैसा मिल रहा है, पढ़े चाहे ना पढ़े, तो ये टीचिंग नहीं ही व्यापार है। ठीक है, तो इस हर शिक्षक का धर्म होता है कि अपने बिगड़ते हुए बच्चे को ट्रैक पे लाने का प्रयास करे, फैमिली का फर्ज भी है। ठीक है, चलिए आइए हम टॉपिक पे आते हैं। यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा फिजिक्स केमिस्ट्री के और वीडियोस स्टडी करने के लिए। और 11th में मैंने भी फर्स्ट यूनिट ही स्टार्ट की है वेक्टर्स। ठीक है, सो
आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ जी, स्टूडेंट्स पावर कट हो गया है फिर से एक बार, बट मैं वीडियो कंटिन्यू कर रहा हूँ इन्वर्टर के थ्रू। अब पता नहीं लाइट कब आएगी। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में टीच किया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम ऑफ, यूट्यूब पे भी आप वीडियो देख सकते हैं। बहुत सिंपल मेथड से मैंने किया टीच, सभी बच्चों को समझ में आएगा। हाँ, घर में आपको स्टडी करनी पड़ेगी, सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। लॉ ऑफ पैरेललोग्राम हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी पढ़ सकते हैं। इतने सालों से मैं बाइलिंगुअल लैंग्वेज में टीच करते आया हूं, किसी को इश्यू नहीं होगी। समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि इस लॉ में क्या होता है, शॉर्ट में आपको रिवीजन कर दे रहा हूं। ये हो चुका है, सपोज वेक्टर ए है, थोड़ा फास्ट करूंगा। दिस इज वेक्टर बी, पैरेललोग्राम ड्रॉ करेंगे। ये भी वेक्टर बी होगा, ठीक है। ये हो गया डायगोनल, जो कि रिजल्टेंट को शो करेगा। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स, रिजल्टेंट का मतलब होता है परिणामी, टोटल वैल्यू। जब हम टू वेक्टर्स को ऐड करेंगे तो जो टोटल वैल्यू आती है उसको बोलते हैं रिजल्टेंट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों को थोड़ा दिक्कत जाती है, ठीक है। हालांकि आजकल ये इशू नहीं होना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग बहुत ईजी हो गई है, आराम से आप पढ़ सकते हैं यूट्यूब के थ्रू, इंग्लिश कोचिंग में पढ़ सकते हैं, स्कूल में कर सकते हैं। चलिए, सो ये हम बहुत पढ़ चुके हैं, अब समझिएगा। मैंने आपको पढ़ाया था टू वेक्टर्स में हमेशा एंगल बनता है बिटवीन देयर टेल, दो सदिशों में, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा कोण उनकी टेल के मध्य बनता है। दिस इज वेक्टर, ये हेड है, दिस इज हेड एंड दिस इज टेल, ठीक है। सो टेल जहां पे मीट करेंगी उसी पॉइंट पे केवल एंगल बन सकता है, और वो भी सबसे छोटा एंगल लिया जाता है। वेक्टर्स में हमेशा सबसे स्मॉल वाला एंगल लिया जाता है बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। 180 से ज्यादा एंगल टू वेक्टर्स में नहीं लिया जाता है, ठीक है। बाकी मैथ्स में भी ये टॉपिक है, मैं सिर्फ फिजिक्स की बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं, तो ये अब सब हमने क्या किया था, वेक्टर ए को हमने आगे बढ़ा दिया था। क्यों बढ़ाया था भाई, क्योंकि ये तो हेड है, दिस इज हेड ऑफ ए एंड दिस इज टेल ऑफ बी। भाई एक का सर और एक का पैर कैसे मिलेगा, इम्पॉसिबल है, और ऑड भी है, ठीक है। तो हमेशा क्या होगा, टू वेक्टर्स का क्या मिलाते हैं, टेल, क्लियर है। आगे का भाग, पीछे का भाग, पिछवाड़ा मिलाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। फिजिक्स की लैंग्वेज में बोलूंगा तो आपको नहीं ध्यान रहेगा, गांव वाली लैंग्वेज में बोलूंगा, जनरल लैंग्वेज में तो आपको ध्यान रहेगा, ये बॉयज का तो बहुत अच्छे से ध्यान रहेगा, ठीक है। तो जहां पे टू वेक्टर्स का पिछवाड़ा मिलता है वहां एंगल बनता है। सो हम वेक्टर ए को आगे ले जा रहे हैं, ठीक है। वेक्टर ए को, बच्चों पावर कट हो चुका है, हम तो पिक्चर देख रहे हो, बिजली चली जाए तो बिजली जा चुकी है, ठीक है। अब कब आती है आई डोंट नो, ठीक है। तो कभी भी बिल्कुल ये स्मार्ट बोर्ड स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है, असुविधा के लिए कोई खेद नहीं है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, ये तो समझिएगा, वेक्टर ए को हम आगे ले गए। अब ये सपोज करिए वेक्टर ए का टेल है और ये वेक्टर बी का टेल है, अब यहां एंगल बनेगा थीटा, ठीक है बच्चों, आ रहा है समझ में। आगे बढ़ते हैं, अब समझिएगा, कभी भी कोई वेक्टर यदि एंगल बनाता है, समझिएगा, मैं अलग से फिगर ले रहा हूं, फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, समझिएगा। हाँ जी, तो सपोज करिए ये वेक्टर एफ है,
दिस इज हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दिस इज वर्टिकल एक्सिस, ऊर्ध्वाधर अक्ष, क्षैतिज अक्ष। तो इस f के टू कॉम्पोनेंट्स हो जाएंगे, इस f के दो घटक हो जाएंगे, टू कॉम्पोनेंट्स। मैंने लाइट ऑफ किया है बिकॉज पावर नहीं है, आपको मेरे चेहरे से क्या मतलब है, ठीक है। बोर्ड आपको क्लियर दिख रहा होगा, फेस की विजिबिलिटी कम होगी। हाँ मैं जितेंद्र शुक्ला ही हूं, कोई और नहीं हूं। चलिए, हाँ जी। सो एफ, टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एफ, वेक्टर एफ, एफ कॉस थीटा एंड एफ साइन थीटा। अब भैया कॉस किधर, दिमाग में क्वेश्चन आएगा किधर कॉस किधर साइन। तो भैया ध्यान से सुनना, जिस डायरेक्शन के साथ आपने एंगल लिया है, ये थीटा एंगल आपने किधर लिया है, क्षैतिज के साथ लिया है, मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के साथ लिया है, इसलिए ये कॉस होगा। एफ से कोई मतलब नहीं है, ए होगा तो यहाँ ए आएगा, बी होगा तो बी आएगा, दीपिका वाला डी होगा तो डी आएगा, क्लियर है। सचिन अमिताभ, अमिताभ वाला ए होगा तो ए आएगा, सचिन वाला एस होगा तो एस आएगा, और जित्तू वाला जे होगा तो जे आएगा, क्लियर है। आई बात समझ में, चलिए। सो एफ कॉस थीटा, तो कॉस के जस्ट परपेंडिकुलर लेंगे साइन, ठीक है। अब यहां ध्यान से देखिए, देखिए देखिए, बी के टू कॉम्पोनेंट्स होंगे, दिस इज कॉस, ये एंगल है, जिधर कॉस है, जिधर एंगल गिवन उधर कॉस, और इसके ठीक परपेंडिकुलर। आ गई, आ गई, आ गई, वो आ गई, आ गई, वो आ गई लाइट। हां जी, हम तुम पिक्चर देख रहे हो एक थिएटर के अंदर, और बिजली चली जाए, अंधेरा ही अंधेरा हो। हाँ जी, चलिए अब इसको हम नॉर्मल ड्रॉ करके मीट करा दिया, ठीक है, चाहे तो नेमिंग कर लीजिए। ये रिजल्टेंट है दोस्तों, वेक्टर ए, फिगर तो दिख रहा है ना भाई, ये वेक्टर बी है, ठीक है, वेक्टर बी, क्लियर। थोड़ा मैं कैमरा चेक कर लूं, विजिबिलिटी सही शॉट है कि नहीं, दिख तो रहा है शायद, हाँ जी, हाँ। तो समझिएगा, इसे कर लीजिए ए, ए बी सी डी ई एफ, इसके आगे मुझे एबीसीडी आती नहीं है, आगे बढ़िए। तो अब समझिएगा हमने क्या पढ़ा था, हमको फाइंड करना है रिजल्टेंट। अब समझिएगा, ये भी, ये क्या हो चुका है, बी साइन, भले मैं यहां लिखा हूं स्टूडेंट्स, बच्चों ध्यान देंगे, बट ये बी साइन ये है, तो ये भी बी साइन होगा, ठीक है, बोलिए क्लियर है, आई बात समझ में। तो हमको हाइपोटेनियस निकालना है, हाइपोटेनियस मतलब कर्ण, ये क्या है, लंब, लंब, लंब नहीं है भाई, आधार है, बेस, लंब तो ये है, क्लियर है। और जो मेरी लैंग्वेज है, कर्ण, द्रौपदी, अर्जुन, क्लियर है। हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर। सो हाइपोटेनियस आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस कौन है, बेस है बच्चों एसी, प्लस होगा, ठीक है, सी डी, मेरे ख्याल से आता होगा भैया, इलेवेंथ में हो यार, ठीक है, ये आना चाहिए, ठीक है, कसम दीपिका पादुकोण की, ये आपको आना चाहिए। अब यहां से क्या होगा, देखिए हटा रहा हूं उसको, हटा दो ना, देखिए ये जो बेस है, बेस की वैल्यू क्या हो गई है, ए प्लस बी, ध्यान से देखना, बेस की वैल्यू क्या है, ए प्लस बी, ठीक है। तो पिछले फिगर में आइए, हाँ जी, बेस कौन है, ए प्लस बी कॉस थीटा, आ गया, ठीक है। चलिए अब जब इसको पुट करेंगे, हाइपोटेनियस निकालेंगे, पढ़ा चुका हूं लास्ट क्लास में, सो ये फॉर्मूला रहेगा। अब यार ऐसे भूलोगे तो कैसे काम चलेगा, बोलो भाई, ए प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है, ये यहां रूट नहीं होगा भाई,
मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये लास्ट फॉर्मूला आपको मिलना है, ठीक है। दिस इज रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, मैं बता रहा हूँ कैसे आया। यहाँ आर स्क्वायर होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेस, दिस इज परपेंडिकुलर। चांद छुपा बादल में, ठीक है जी। अब इसके आगे तो आता होगा यार, कुछ तो रहम करो, बच्चे की जान लोगे क्या? हाँ, क्या होगा इसके बाद पता है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, मैथ्स का बेसिक फॉर्मूला सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, क्लियर है? ठीक, ये लास्ट क्लास में हो चुका है, ये मैं पढ़ा चुका हूं, यूट्यूब पे वीडियो है इसका, तो हम इसको एरेस कर रहा हूं। चांद छुपा बादल में, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं ये गाना क्यों गा रहा हूं, तो बच्चों आज बहुत सुहाना मौसम था, तो ऐसे मौसम में तो ये गाना ख्याल में आएगा, ठीक है। अब ऐसे गाने भी आजकल छुप के गाने पढ़ते हो, गाने पढ़ते हैं कहीं ना सुन ले घर वाली, हाँ जी समझेंगे। देखिए, अब हमने ये डिराइव किया था फॉर्मूला ऑफ रिजल्टेंट, इसको आप यहां भर लीजिए, ये फिजिक्स का पहला ग्रेट फॉर्मूला है, फिजिक्स का पहला ग्रेट फॉर्मूला, ठीक है, समझेंगे, ठीक है। रिजल्टेंट, अब अपने को आता है क्वेश्चन कि डायरेक्शन निकालिए, इसकी डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, परिणामी सदिश की दिशा निकालिए। तो बच्चों ये जो थीटा एंगल है ये किसके बीच का है, ये ए और बी के बीच का एंगल है, ठीक है। रिजल्टेंट ये है, ध्यान से रखिए, रिजल्टेंट तो ये है और ये एंगल बन रहा है अल्फा ए के साथ, या तो फिर यहां अल्फा ले लो क्लियर है, बी के साथ, ठीक है, ये भी बी है, ये भी बी है, क्लियर। तो अब अपने को निकालना है डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट, इसका मतलब हमको अल्फा निकालना है, तो ये सिंपल निकल जाएगा। ट्रायंगल देख लो भाई, मैं ट्रायंगल अलग अलग बना देता हूं ना भाई, नेमिंग में मत जाना आप लोग, मैंने यहां क्या ले लिया है, ओ है ना, बी सी, उससे कोई मतलब नहीं है, कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ओ बी सी, नेमिंग अपने हिसाब से करो ना भाई, ए बी सी डी, ओ ए बी सी, जो भी करना हो, ओ ए बी सी, ए बी सी, ठीक है, जो भी करना हो, क्लियर। तो टेन अल्फा, टेन क्या होता है, लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कौन है, बी सी है, बी सी, बी सी, और बेस कौन है, ओ बी, इस डायग्राम जो मैंने अभी डायग्राम लिया, ठीक है। चलिए, तो बी साइन थीटा सामने लिखा हुआ है, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये लास्ट क्लास है बच्चों, हो चुका है, मैंने फिर भी शॉर्ट में रिवाइज आपको कर दिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, रिजल्टेंट, ठीक है, हाँ जी, अब मैं इसको हटा रहा हूं, आ गया है, चलिए इसको हटा दूंगा, फिर बनाना पड़ेगा, चलो हटा देते हैं, हाँ समझ गए। तो इसके लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाए थे एप्लीकेशन ऑफ, एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, एलपीजी मीन्स हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हम इसके एप्लीकेशंस पढ़ चुके हैं, ठीक, मैंने आपको पढ़ाया था रिजल्टेंट आर इज इक्वल टू टू ए कॉस थीटा बाई टू हमें मिलता है व्हेन ए एंड बी आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है, एन एंगल बिटवीन देम इज थीटा, जब ए और बी समान सदिश हों और उनके मध्य का कोण थीटा है। तो ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब इसी में कुछ क्वेश्चंस और भी आते हैं, क्या क्वेश्चन आते हैं, सपोज करिए ए और बी इक्वल वेक्टर है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एंड एंगल क्या है उनके बीच, एंगल बिटवीन क्या है, बिटवीन देम थीटा, देन क्या पूछेगा, फाइंड आउट डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट। जब डायरेक्शन बोलेगा बच्चों तो हम क्या निकालेंगे, टेन अल्फा, अल्फा लीजिए या बीटा लीजिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, टेन अल्फा हम पढ़ चुके हैं फॉर्मूला, बी साइन, ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, अब थोड़ा बहुत तो याद करना पड़ेगा ना भाई, बी साइन थीटा अपॉन ए, ए
प्लस बी कॉस थीटा। इक्वेशन वन। अब क्या बोला है, दोनों इक्वल है तो बी साइन थीटा अपॉन बी प्लस बी कर लीजिए, ठीक है, आ रही बात समझ में। ए और बी सेम बोला है, सेम वेक्टर, इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर मीन्स मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। अब यहां से बी भी कॉमन हो जाएगा, बी कैंसिल, यहां से आ जाएगा साइन थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा आएगा, वन प्लस कॉस थीटा, दिख रहा है आपको, बी कॉमन निकाल के कैंसिल आउट हो जाएगा। इसके बाद देखिए टेन अल्फा इज इक्वल टू, अब लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला, आपको याद होना चाहिए, कॉस थीटा बाई टू अपॉन वन प्लस, हाँ जी, अब इसके भी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू माइनस वन, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, ये 11th की फिजिक्स के बुक के बिल्कुल स्टार्टिंग में ही गिवन है, कोई भी बुक लीजिए आप, एनसीईआरटी लिए, एनसीईआरटी में तो कम दिए हैं, एसएल अरोरा, दिनेश रिफ्रेशर, क्लियर है, शिवलाल, कोई बुक लीजिए, स्टेट बोर्ड कहीं की भी, ठीक है। अब यहाँ पुट कर देंगे इसको, क्लियर है, ये हो चुका है सब, पुट कर देंगे, तो अभी आपको पता ही है साइन अपॉन कॉस क्या होता है, टेन, हटा रहा हूं, सो टेन अल्फा इज इक्वल टू, पुट करेंगे बेटा, यहां से आएगा अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, बट ये कब यूज होगा, तो यहां से कॉन्क्लूजन क्या आया बच्चों, कॉन्क्लूजन ये आया कि वेन एवर टू इक्वल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल थीटा देन रिजल्टेंट होता है, इसको अच्छे से समझेंगे, टू ए कॉस थीटा बाई टू एंड अल्फा इज इक्वल टू थीटा बाई टू, मैं इसको ब्लॉक कर दे रहा हूं और आप भी अच्छे से इसको ध्यान में रखेंगे, इसका बहुत ज्यादा यूज है फिजिक्स में, ठीक है, कैसे यूज है समझिएगा, वेक्टर ए वेक्टर बी, क्वेश्चन में बोलेगा ये एंगल 120 है, कितना है 120 डिग्री है सपोज करिए, ठीक है, और ये दोनों इक्वल वेक्टर है, ठीक है, बात समझ में आई है, ये तीसरा वेक्टर है सी, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम है, मतलब ए ही है, ए ए ए, क्लियर है, आप समझिए हम पढ़ चुके हैं, जब एंगल थीटा, जब थीटा की वैल्यू 120 होती है देन रिजल्टेंट ए आता है या बी आता है, मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, समझेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट बच्चों ये जाएगा ऊपर, ठीक है, और उसकी वैल्यू क्या होगी, ए ही होगी, अब ऊपर क्यों गया, थीटा बाई टू पे जाएगा, ये देखिए सामने रिजल्टेंट की वैल्यू ए जाएगी इस फॉर्मूले से, यहां पुट करिए 120, जब यहां पुट करेंगे तो ए आएगा या बी आएगा, ये पढ़ा चुका हूं पहले, ठीक है, और डायरेक्शन क्या आएगा, डायरेक्शन आएगा थीटा बाई टू, मतलब 120 एंगल है तो 60 पे जाएगा, क्लियर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट गया ऊपर, अब मैं इसको r इक्वल टू a लिखा हूं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये a है, ठीक है, और जो तीसरा वेक्टर है बच्चों ये जस्ट इसके ऑपोजिट है, जिसकी वैल्यू a ही है, c लिखिए या ना लिखिए, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना शुरू करिए, c इज इक्वल टू a लिखा है, मतलब थर्ड वेक्टर का मैग्नीट्यूड a है, ठीक है, तो अब देखिए ध्यान से, इन दोनों में कितना एंगल है 180, दोनों की डायरेक्शन क्या है ऑपोजिट, तो नेट वैल्यू क्या हो जाएगी, a माइनस a इज इक्वल टू जीरो, नहीं समझ में आया, अभी जो 11th के 12th वालों को तो आ गया होगा, जो 11th के स्टूडेंट हैं वो फ्रेशर हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम अभी हो सकती है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ, तो थोड़ा दिमाग लगाइए, बस 10 सेकेंड पानी पी लो, हाँ जी, तो एक बार मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं,
हमने अभी तक क्या पढ़ा? खैरियत पूछो, आगे नहीं बनता दोस्त, खैरियत पूछो नहीं बनता जी, तो क्या करें? बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। फिर हमने इसकी बहुत सारी कंडीशन पढ़ी, जैसे थीटा की वैल्यू 0 डिग्री है देन आर इज इक्वल टू क्या आएगा? ए प्लस बी। फिर हमने पढ़ा थीटा 180 है, मतलब पाई रेडियन, पाई रेडियन मींस 180 डिग्री, पाई बाय 2 रेडियन मींस 90 डिग्री, पाई बाय 3 रेडियन मींस 60 डिग्री, देन क्या आएगा? ए माइनस बी। फिर हमने क्या पढ़ा? ए और बी टू इक्वल वेक्टर्स हैं, एंगल उनके बीच थीटा है, मतलब कुछ भी है, देन रिजल्टेंट इज इक्वल टू 2a cos थीटा by 2, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट इज थीटा by 2, परिणामी सदिश की दिशा, परिणामी सदिश का परिमाण। ये लगा दिया मतलब मॉड, नहीं लगाया तो भी मॉड, लेकिन ये यदि ऐसा लिखते हो समझ लो तो ये वेक्टर है, सिर्फ वेक्टर है, ये और ये तीनों सेम चीजें हैं। क्लियर है? बोलिए आगे बढ़ते हैं, इज दैट क्लियर? चलिए देखिए, सो दिस इज लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर? अब ऐसे तो ये सब पढ़ा चुका हूं मैं, अब होता क्या है फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में अक्सर ये यूज होगा, इसलिए मैं इसकी बार बार आपको बात कर रहा हूं। टू वेक्टर्स क्या है? इक्वल है, टू इक्वल वेक्टर्स मेकिंग एन एंगल 120 डिग्री, देन आप चाहो तो रूट वाला फॉर्मूला यूज करो और या सीधे इसको यूज करो, दोनों ही केस में वैल्यू क्या आएगी? ए। ये दोनों इक्वल है, ज्यादा इजी है, तो मेरे कहने का मतलब ये है बच्चों, ये फॉर्मूला तो आपको याद हो ही गया होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, और ये स्पेसिफिक कंडीशन का है जब ए और बी दोनों इक्वल वेक्टर हो, ठीक है, और डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये हुआ बच्चों लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब आते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज पे आते हैं इसकी, समझिए। शुक्ला क्लासेस टाइम्स YouTube पे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सभी से मेरा निवेदन है, जिससे गांव और दूर दराज के बच्चे फ्री क्लासेस ज्वाइन कर सके मेरी, ठीक है, बिल्कुल फ्री है। नीट और जेई की क्लासेस भी मैं स्टार्ट करने वाला हूँ कुछ दिन बाद से, जेई के टॉपिक और नीट के टॉपिक में अलग से लूंगा, अभी तो पढ़ा रहा हूँ अकॉर्डिंग टू NCERT, ठीक है, लेकिन बच्चों जब मैं जेई और नीट के टॉपिक्स लूंगा तो बहुत डिटेल मुझे टीच करना पड़ेगा, तो मैं रैंडम टॉपिक लूंगा, रैंडम, ठीक है, जैसे मैं भी 11th केमिस्ट्री में जेई और नीट के लिए स्टार्ट करने वाला हूँ केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, वो हार्ड चैप्टर है, मुझे कई बच्चे बोल चुके हैं उसके लिए, ठीक है, और ऑर्गेनिक में स्टार्ट करूंगा रिएक्शन मैकेनिज्म। मैं जेई और नीट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, 11th 12th में तो मैं NCERT के अकॉर्डिंग चलूंगा। चलिए देखिए, अभी सब्सक्राइब करिएगा प्लीज शुक्ला क्लासेस टाइम्स, ठीक है। अब आइए प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ वैक्टर्स, हाँ जी, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, सदिशों का जो योग होता है वो कम्यूटेटिव होता है। भैया हिंदी क्या है इसका? क्रम विनिमय है शायद, ठीक है, क्रम विनिमय, क्लियर है बच्चों, क्रम विनिमय, ठीक है, हिंदी है इसका। अब आगे बढ़ते हैं, समझेंगे, तो क्रम विनिमय का मतलब क्या है कि वेक्टर ए प्लस बी, इन दो वेक्टर ए और बी को हमने ऐड किया तो जो रिजल्टेंट आएगा वो बी प्लस ए के इक्वल होगा हमेशा, ऑलवेज, मतलब ए प्लस बी ऐड करिए या बी प्लस ए ऐड करिए, वैल्यू क्या होगी? शुड बी सेम। आगे बढ़िए, एसोसिएटिव, इसका हिंदी होता है, चेक कर लीजिएगा बुक में, शायद तक साहचर्य होता है, साहचर्य, ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब होता है बच्चों कॉम्बिनेशन। नीचे देखिए मैंने लिखा हुआ है कंसेप्ट,
ऐसे फटाफट बोलने से ही तो मैं मेरे वोकल कॉर्ड्स में प्रॉब्लम आ गई है ना 13-14 ईयर्स में लंबी लंबी भी है क्लासेस, इसलिए थोड़ा डरता भी हूँ बच्चों। हाँ समझेंगे अब। हाँ जी तो देखिए एसोसिएटिव साहचर्य, ठीक साहचर्य इसका मतलब ये है, ध्यान से आप देखिए, हमने B प्लस C का को ऐड किया, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आया होगा, ठीक है, B और C को ऐड करने पे, उसको A के साथ ऐड किया, अब हमने कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया, A को B के साथ ऐड किया, जो रिजल्टेंट आया उसको C के साथ ऐड किया, इन दोनों ही सिचुएशन में वैल्यू सेम आनी चाहिए, और यदि वैल्यू सेम आती है बच्चों तो हम उसे बोलेंगे, हम उसे क्या बोलेंगे बोलिए, लॉ ऑफ एसोसिएशन, ठीक है, सदिशों का साहचर्य का नियम, सदिशों का साहचर्य का नियम, ठीक है, क्लियर हो गया है। अब आते हैं, ये पढ़ा चुका हूं मैं, वेक्टर सिंपल सा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आता है 11th में ऑब्जेक्टिव्स, कई रिजल्टेंट की वैल्यू, आर की वैल्यू, परिणामी सदिश की वैल्यू अधिकतम कब होती है, ठीक है, तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ठीक है बच्चों, ये तो हम पढ़ चुके हैं इस फॉर्मूले से, कब पढ़, क्या पढ़े थे, जब थीटा की वैल्यू 0 degree होती है then we get R is equal to A plus B, पढ़ चुके हैं, ठीक है, क्लियर हो गया, और जब थीटा की वैल्यू पाई रेडियन होता है, मतलब 180 डिग्री होता है, ठीक है, then R is equal to A minus B, ठीक है बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़िए, इसके बाद, हाँ जी इसके बाद देखिए, मिनिमम नंबर ऑफ अनइक्वल वेक्टर्स होज सम कैन बी 0 is 3, ये जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं कर रहा हूं क्लियर, समझिए, मिनिमम नंबर ऑफ कोप्लेनर वेक्टर होज रिजल्टेंट इज 0, ठीक है, वो 3 होती है, क्लियर है, इस 3 समझेंगे क्या मतलब है इसका, अभी कुछ देर पहले मैंने इसका एग्जांपल लिया था, तो सिंपल सा ऑब्जेक्टिव आता है, 3 वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, किसका वैल्यू भी 10 है, इसका भी 10 है और इसका भी 10 है, मतलब उरी बाबा ये क्या हुआ, ये तो तीनों इक्वल वेक्टर्स हो गए, अब एंगल दे दिया, उरी बाबा का ये क्या दीवाना, हाँ जी ए और बी के बीच का एंगल है 120 degree, ठीक है, तो अभी हम कुछ देर पहले पढ़े हैं बच्चों, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, आर इज इक्वल टू ए या बी आएगा, जब भी एंगल 120 होता है इसका मतलब इन दोनों का वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट, वेक्टर ए और बी का रिजल्टेंट ये होगा, इन दोनों का रिजल्टेंट होगा आर ए बी इज इक्वल टू ए, ठीक है, या बी मतलब 10, क्योंकि इन दोनों का वैल्यू तो 10 ही है, सोचिए सोचिए, रट्टा मत मारिए, रट्टा मार मत मार, नहीं बर्बाद हो जाएगा, रट्टा मार मत मार, नहीं बर्बाद हो जाएगा, क्लियर है, कोटा कोठा दिल्ली मुंबई कहीं जाओ, आई बात समझ में, जेरी फिट फिट जी, क्लियर है, सिट जी, कहीं पढ़ो, कुछ नहीं होना है बच्चों, बाहर जाके बच्चे भी वही सक्सेस होते हैं, हम तो झेले हैं ना, जिनका बेस स्ट्रांग होता है 11th 12th का, यदि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है आप दुनिया की किसी कोचिंग में जाके पढ़ लीजिए, और अब तो हाईटेक जमाना आ चुका है, ऑनलाइन YouTube, PDF, वीडियोस, CDs, सो कोटा फोटा जाने की जरूरत नहीं है, जाके वहां डांस मत करिए, फालतू में 5 lakh पानी मत बहाइए, आप जिस सिटी में है मेरा निवेदन है वहीं पढ़िए, ये पेरेंट्स में मिथ्या जाल है,
कि बच्चे को हम कोटा भेज देंगे तो पेरेंट्स बड़ा घमंड फील करते हैं, है ना, कि मेरा बच्चा तो कोटा में पढ़ रहा है, कोटा में पढ़ रहा है। नहीं भैया, कुछ नहीं होगा उससे, समझिए, ठीक है ना। बच्चे में टैलेंट है तो वो कहीं पढ़ के अब निकलेगा, तो ऐसा दौर है, क्लियर है। सारी चीजें शेड्यूल में अवेलेबल है, दुनिया भर की बुक्स, दुनिया भर की नोट्स, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। चलिए, हाँ जी, बच्चे बाहर जाके बिगड़ रहे हैं, स्कूलिंग नहीं करते हैं, स्कूल से संस्कार नहीं सीखते हैं, 9th, 10th, 7th, 8th से जाके सेटल हो जाते हैं कोटा में जाके, इंदौर में जाके। हाँ जी, चलिए, तो इन दोनों का रिजल्टिंग आया 10, ठीक है। अब देखिए, ये तो डाउनवर्ड है, वेक्टर सी, क्लियर है, वापस समझ आ गया होगा। सो नेट वैल्यू क्या होगी, नेट वैल्यू आर ए बी माइनस सी होगी, होगी। और आर ए बी का मैग्नीट्यूड क्या है 10, और सी का मैग्नीट्यूड क्या है 10, वैल्यू 0। और ये तो अंडरस्टूड था, कभी भी डायरेक्शन अपोजिट हो तो माइनस करना होता है, ए माइनस बी फिजिक्स में, ठीक है, क्लियर हुआ ये, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं कि लॉ ऑफ पैरेललोग्राम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए एक बार रिवीजन मान लीजिए, हाँ जी, अब आते हैं वेक्टर्स के सब्सट्रैक्शन में, ए माइनस बी, अभी हमने क्या पढ़ा, एडिशन, अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, एडिशन, समझिए, ए माइनस बी वेक्टर्स में मैथ जैसा सम और डिफरेंस नहीं होता है बच्चों, जोड़ और हटाना नहीं होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। ए माइनस बी करने का मतलब है कि वेक्टर ए में वेक्टर बी को, ए वेक्टर ए में वेक्टर नेगेटिव बी को जोड़ा जा रहा है, नेगेटिव बी को जोड़ा जा रहा है, वेक्टर में माइनस कुछ भी नहीं होता है, समझिए, इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं, क्लियर हुआ। अब डायग्राम समझिए, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, हम वेक्टर बी को नीचे लाएंगे, ये देखिए डायग्राम, वेक्टर बी को नीचे लाएंगे तो ये नेगेटिव बी हो गया, क्यों हो गया, क्योंकि हमने डायरेक्शन जस्ट उलट दी, समझिएगा, ठीक है। अब ये क्या हो गया, ये हमने बना दिया क्या, एलपीजी, पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम, क्योंकि फिजिक्स में ऐड करने के लिए, सब्सट्रैक्शन करने के लिए क्या यूज होता है, ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, सदिशों का समांतर चतुर्भुज नियम, ठीक है। तो देखिए अब ये एंगल क्या बन जाएगा, 180 था, ये एंगल क्या बन गया, पाई माइनस थीटा, बच्चों ठीक से समझिएगा, क्लियर है। और हम बता चुका हूं शुरू में कि वेक्टर्स में सब्सट्रैक्शन कुछ भी नहीं होता है, नो कुछ नहीं होता है, सब कुछ क्या होता है, प्लस। तो हम ये पढ़ चुके हैं फ्रॉम लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, अब क्या हुआ, सिर्फ एक चेंज हुआ, देखिए ये एंगल यहां पे थीटा था, अरे बट अब क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है माइनस कॉस थीटा, ये मैथ्स में है, फिजिक्स में भी है, फर्स्ट चैप्टर, ओपन योर बुक, ठीक है। तो अब ये फॉर्मूला आएगा, क्या फॉर्मूला आ गया फॉर सब्सट्रैक्शन, ए स्क्वायर प्लस, ध्यान से देखिए भैया, बोलूंगा नहीं मैं, अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड है, थक गया हूं मैं, क्लियर है, कंटिन्यू बोलने से मुझे दिक्कत भी हो रही है, हाँ जी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ठीक है बच्चों। तो कभी भी सब्सट्रैक्शन आ जाए आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, मींस ये, ठीक है, क्लियर है, बात समझ में आ रही है, कोई कंसेप्ट नहीं छूटेगा, मैं पूरा डिटेल टीच करता हूं, नो शॉर्टकट्स, ट्रिक्स बताऊंगा, फंडे बताऊंगा, ठीक है, और थ्योरी पूरी डिटेल। अब समझिए, सब्सट्रैक्शन ऑफ फैक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव, सदिशों का घटाना क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इज नॉट कम्यूटेटिव, क्या मतलब है इसका, मतलब ये है बच्चों, देखो ध्यान से, कि हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, ए माइनस बी, बी माइनस ए, वेक्टर्स के एडिशन के लिए क्या था, ये दोनों इक्वल होते थे, लेकिन सब्सट्रैक्शन के लिए ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आएगी। मेरे कहने का मतलब है कि हमने वेक्टर
a माइनस वेक्टर b किया, ये आया मान लीजिए 2, लेकिन वेक्टर b माइनस a 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 10 है, अरे मैं क्या जानू रे, मुझे क्या पता क्या आएगा, बट इक्वल नहीं आएगा। देखिए ना, नहीं आया ना, ये इक्वल नहीं आया, नहीं आया तो क्या होगा, इज नॉट कम्यूटेटिव। ओके, क्लियर हो गया। तो ये बच्चों ये फिनिश हो गया लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। अब देखिए दो क्वेश्चन जल्दी से देखो। देखो रे साजना, देखो रे साजना, जल्दी से देखिए। हाँ ट्राई करिए जल्दी से, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन बट बहुत फेमस क्वेश्चन है ये, 11th के बोर्ड एग्जाम में भी आता है और नीट का फेवरेट है, खत्म कहानी। बच्चों पहले समझ लो, ये वेक्टर लिखा हुआ है, लेकिन जब हम ऐसा लिखते हैं इसका मतलब मॉड है, जब हम ऐसा लिखते हैं ये भी मॉड है, अब जब सिर्फ ऐसा लिखते हैं ये भी मॉड है, लेकिन हमने एरो लगा दिया तो ये वेक्टर है, 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 लेकिन एरो हटा के कुछ भी लिखो तो वो मैग्नीट्यूड है। क्लियर है। अब क्वेश्चन को समझिए, मॉड ए वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, एरो मींस क्या होता है, वेक्टर, ठीक है, एरो मींस क्या होता है बच्चों, एरो मींस होता है वेक्टर, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, हाँ जी, हाँ भाई क्या देखना है इसमें। अभिषेक तिवारी ने कमेंट किया है कि सर रात आप बच्चे आते हैं इतनी रात में, बेटा ये यूट्यूब में अपलोड करूंगा, बेटा यूट्यूब में, समझते नहीं हो यार। हाँ जी, तो अब आते हैं इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में, ठीक है, हाँ समझेंगे। खैरियत पूछो, हाँ जी, मजा आएगा भींगी रात में। तो समझिए पहले क्या लिखा हुआ है ये बच्चों, एक्चुअली ये ऐसा था, वेक्टर ए और वेक्टर बी को जोड़ा जा रहा है, ए और बी को ऐड किया, जिसका लॉ हम पढ़ चुके हैं अभी कुछ देर पहले, जुम्मा जुम्मा 5 मिनट हुआ है, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है। अब मॉड लगा दिया, मॉड लगाने का मतलब बच्चों ये है कि वेक्टर ए और वेक्टर बी को ऐड करने के बाद जो रिजल्टेंट आया उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है, उसका मैग्नीट्यूड। पहले बेटा वेक्टर को पढ़ना सीखो, पहले पढ़ना सीखो, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, हाँ जी, इन दोनों को जोड़िए और जोड़ के मॉड निकालिए, इसका मतलब क्या बोल रहा है वो, कि ए और बी का मैग्नीट्यूड निकालिए जोड़ का, जिसका फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं, पढ़ चुके हैं ना, एलपीजी, एलपीजी लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, समांतर समांतर चतुर्भुज का नियम, ठीक है, इक्वेशन 1। फिर क्या बोला है बच्चों, कि इन दोनों का सब्सट्रैक्शन करिए और उसका मैग्नीट्यूड निकालिए, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, ठीक है, ठीक है। केशव मुखर्जी का नाम सुना है आपने, जो न्यू जनरेशन होगी वो नहीं सुनी होगी, पुरानी फिल्मों में 70s 80s में एक कॉमेडियन था केशव मुखर्जी, वो हमेशा ड्रंक पर्सन का रोल करता था, हमेशा दारू खोर का, ठीक है, ऐसे आवाज निकालता था, तो वही आवाज मैं भी निकाल रहा हूँ, आप लोग कुछ और मत सोचिए कि मैं कोई गंदी आवाज निकाल रहा हूँ, ऐसा है एक्चुअली, वो कॉमेडियन की आवाज है, हाँ जी। तो थोड़ा फिल्मों का असर ज्यादा है अपने ऊपर, तो ये दोनों, ये किसका फॉर्मूला है, सब्सट्रैक्शन का, ये किसका फॉर्मूला है, एडिशन का, दोनों को क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में क्या बोला था, क्वेश्चन में क्या बोला था, दोनों इक्वल करिए और फाइंड थीटा, और थीटा निकालिए, तो इन दोनों को बिठा इक्वल कर देना है, इक्वल, ठीक,
सब कुछ कैंसिल हो जाएगा बेटा, सब कुछ कैंसिल, समझे? और cos थीटा आएगा क्या? जीरो आएगा। जब cos थीटा जीरो आता है मतलब एंगल क्या होता है? 90। बच्चों आपको एंगल याद होना चाहिए, समझे कुछ? cos की वैल्यू 1 कब होती है? 0 डिग्री पे। cos की वैल्यू 0 कब होती है? 90 पे। cos 180 क्या होता है? -1। खैर तो इन दोनों को इक्वल कर देना है, इन दोनों को बेटा इक्वल कर देना है, फिर सॉल्व करोगे तो इससे क्या आंसर आया कि वेक्टर ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। क्लियर हुआ? बोल बच्चों क्लियर हुआ क्या? आगे बढ़िए, सेकंड क्वेश्चन पे आइए, सेकंड न्यूमेरिकल पे। सेकंड न्यूमेरिकल ये है, एक बार फॉर्मूला देख लीजिए फिर से। आंखों में बसे हो तुम दिल में बसा लूंगा। ये देखिए, आंखों में फॉर्मूला बस जाना चाहिए, ये सब्सट्रैक्शन का है, सब्सट्रैक्शन का, एडिशन में आप प्लस हो जाएगा, ठीक है? अभी हमने जो यूज किया, तो अब आ जाइए दूसरे क्वेश्चन पे। व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पॉइंट ऑफ द व्हील? व्हील मींस बैलगाड़ी, देखियो पहिया, पहिया पहिया व्हील, ठीक है? इनिशियली इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड व्हेन द व्हील रोल्स, रोल मींस लुढ़कना, रोल्स फॉरवर्ड हाफ अ रिवॉल्यूशन। हिंदी में बच्चों इस क्वेश्चन का मतलब ये हुआ, हिंदी में इस क्वेश्चन का मतलब कि कोई व्हील है, समझेंगे, कोई व्हील है, कोई पहिया है, ये पहिया है जिसकी रेडियस आर है, कैपिटल आर ले लो स्मॉल आर ले लो, ये हाफ रिवॉल्यूशन, समझेंगे बच्चे का, हाफ रिवॉल्यूशन ये रोल किया है, हाफ रिवॉल्यूशन, हाफ हाफ, ठीक है? तो बात अच्छे से समझना बेटा, जब ये आधा, पहली बात तो जब ये आधा घूमेगा तो ये ध्यान से देखेंगे, ये जो वैल्यू आएगी 2R आएगी, वर्टिकल वैल्यू, समझेंगे इस चीज को बच्चा, जो वर्टिकल वैल्यू आएगी वो 2R आएगी, इस चीज को अच्छे से समझिएगा, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, क्लियर है? 2R क्यों आएगी? 2R, समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, समझे कुछ? हाफ रिवॉल्यूशन जब कूदेगा, घूमेगा सॉरी, तो 2R आएगा वैल्यू, ऐसे इमेजिन करिए, ऐसे 2R, रेडियस R थी, डायमीटर हो गया 2R, क्लियर है? तो वर्टिकल हो गया, वर्टिकल डिस्टेंस, वर्टिकल डिस्टेंस, समझेंगे? वर्टिकल 2R हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल क्या होगा बेटा? हॉरिजॉन्टल ये होगा पाई आर, तो ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, इसको डिस्प्लेसमेंट बोल सकते हैं, पाई आर होगा। बच्चों क्लियर है? बोलिए, एक घंटे ज्यादा हो रहा है, क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, आज की कहानी ये खत्म होने वाली है। तो बेटा हमको निकालना क्या था? हमको निकालना था रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है? तो क्या होगा? बहुत सिंपल है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आई पाई आर, वर्टिकल डिस्टेंस आई पाई आर, क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बच्चा? ये होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा शॉर्टेस्ट होता है, सीधा होता है, विस्थापन हमेशा सीधा नापते हैं, शॉर्टेस्ट नापते हैं, बस पाइथागोरस लगा दीजिए और क्या, तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू पाइथागोरस, पाई आर होल स्क्वायर प्लस टू, ये बेटा पाई आर कैसे आ गया पता है ना? अरे यार पूरे सर्कल का होता है 2πr डिस्टेंस, तो हाफ सर्कल की डिस्टेंस क्या होगी? पाई आर, क्लियर है? थोड़ा बताना भूल गया तुम्हें, ठीक है? इसी सब आना चाहिए आपको, 9-10 में था फिजिक्स में, हो गया क्वेश्चन खत्म, ठीक है बेटा? तो ये आ गया विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट आप कॉमन निकाल सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, ठीक है? तो आपने जो जिन लोगों ने ऑनलाइन मुझे देखा, मेरी क्लास को देखा, टाइम पब्लिक स्कूल शेड्यूल, ठीक है, यूट्यूब सब्सक्राइब करिए, मेरे स्कूल नर्सरी से 12th तक है, और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स बायोलॉजी जो 9-12th क्लासेस हैं, मेरा वहाँ मेन फोकस IIT और नीट पे है, और बच्चों को मैं पढ़ाने के साथ साथ अच्छी बातें भी उन्हें सिखाने का प्रयास करता हूँ, हमारे सारे टीचर करते हैं,
40 से 50 टीचर्स हमारी स्कूल में हैं, और मैं अपने स्कूल के बच्चों को आईआईटी नीट का जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको फ्री क्लासेस दे रहा हूँ, ठीक है। और जो बच्चे यूट्यूब में जुड़ गए हैं, इन्जॉय करिए स्टडी, पढ़ाई करिए, क्योंकि अभी कोरोना इफेक्ट चल रहा है, कोविड-19 बहुत बुरा समय चल रहा है। अब देखिए गवर्नमेंट क्या करती है, 14 के बाद कुछ कह नहीं सकते। मेरा तो मानना है कि 1 month अभी लॉकडाउन कंडीशनल होना चाहिए, क्योंकि केसेस बढ़ते जा रहे हैं बेटा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, नमस्कार, शुभ रात्रि।